हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्रुव क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। तो इस सभी के बारे में हम इसका डिफिनेशन देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको डिफिनेशन याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख दें, तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक दर्पण बनाता हूँ और उसमें जितने भी पॉइंट है जिसका भी हमें डिफिनेशन जानना है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे वो स्थिर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दर्पण बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा नीचे ही बना दिया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सा दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक जो सतह है, जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, और जो धंसा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये दर्पण हो गया, तो सबसे पहले याद रखेंगे दर्पण का, ये जो दर्पण है इसके जो केंद्र होता है, इसके बीच जो उसे क्या कहते हैं, जो क्या होता है, ये P होता है। और याद रखेंगे ये दर्पण का वक्रता केंद्र होता है जो C, और इन दोनों के मिलाने वाली रेखा होती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे जो वक्रता केंद्र C होता है और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि इन दोनों के ठीक बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि फोकस से, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल F से दर्शाते हैं। स्मॉल F क्या है, स्मॉल F है फोकस दूरी। ठीक है, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम एक एक करके वीडियो को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण का ध्रुव जो P होता है उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये दर्पण है, तो हम यही से डिफिनेशन करेंगे। क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण है, ठीक है, या अवतल हो या उत्तल हो दर्पण, वो क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो किसी गोलीय दर्पण के, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र में, ठीक केंद्र में जो बिंदु होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र में क्या होता है, जो बिंदु होता है उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ये क्या है, इधर वाला परावर्तक सतह ही ना है। ठीक है, इधर वाला जो ये है ये परावर्तक सतह है। तो हम यही कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक मध्य में, देखिएगा इधर से भी ये और इधर से, दोनों की दूरी बराबर होगी, तो ठीक मध्य में या ठीक केंद्र में जो बिंदु होती है उसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको यहाँ से डिफिनेशन को बोलना है, क्या बोलना है, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डिफिनेशन को लिखिए, लिखेंगे यही, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, यही लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र में या ठीक केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं, क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह
के ठीक केंद्र में केंद्र को ही मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र को, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मतलब दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको केवल समझना है, यदि आप समझ जाएं तो अपने शब्दों में भी इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई बाध्य नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन का मतलब होता है उसको समझाना कि ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसे याद रखेंगे, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो है दर्पण का वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का, मान लेते हैं, समझिएगा, यहाँ से फिगर से मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का ये क्या होता है, केंद्र होता है। और इसी केंद्र को, मतलब गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो याद रखेंगे, हम तो दर्पण पढ़ रहे हैं ना, तो इस दर्पण को ही तो हम काट देते हैं। जब इस खोखले गोले को काटते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त होता है। और जब हम लेप लगा देते हैं तो ये दर्पण कहलाता है। तो हम इस तरह सांकेतिक रूप में मान लेते हैं कि यदि ये खोखला गोला होता तो इसके ये केंद्र होता, तो ये जो केंद्र होता इसे ही हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, क्या कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है कांच का। और ये क्या है, ये दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही ये छोटा सा भाग है, ठीक है। और ये याद रखेंगे, ये जो इधर वाला साइड है, इधर का जो है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो हम यही न कह रहे हैं, ये परावर्तक सतह है, तो हम यही न कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के, मतलब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन यहाँ से बोलना है, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को स्वयं लिखिए। क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप यही लिखेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले को उस खोखले गोले के केंद्र को गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते है, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र का डेफिनेशन हो गया, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कोई भी गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया, तो आशा करते हैं ये दो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे तीसरे हमारा टॉपिक होगा कि जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटका रहा हूँ, ठीक है, जो ये ऊपर वाला है इसको पहले मिटका दे रहा हूँ, ठीक है, और ये जो दोनों है इसको मैं मिटका रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटका रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तीसरा हमारा टॉपिक होगा वक्रता
त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ये हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या का बहुत से हम तरीके से डिफिनेशन कर सकते हैं, परंतु मैं जो सिंपल है वो डिफिनेशन बता रहा हूँ 100% सही है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, वो हम यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, या हम कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव, ये पी क्या है, ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, ये ध्रुव है। तो हम यही ना कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे यही कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गया होगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम याद रखेंगे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर नहीं, ठीक है, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा जा रही है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, समझिएगा, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या होगा इसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा चौथा होगा पॉइंट कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों मुख्य अक्ष का हम डिफिनेशन यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण के, या हम कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव, समझिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई भी ये दर्पण है, समझिएगा, ये कोई दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, ये बिंदु P है, और ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई, ये बिंदु C है, मतलब वक्रता क्या है, वक्रता वक्रता केंद्र है, और ये दर्पण का ध्रुव है। तो हम यही कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के से होकर जाने वाली रेखा जो होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्रता, सॉरी, मुख्य अक्ष कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गोल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप यही लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको कहना है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको मुख्य अक्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं कि ये जो फोकस, मुख्य फोकस होता है, इसका डिफिनेशन, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य फोकस का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं जो पांचवा होगा, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों यही है ना मुख्य फोकस।
ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन यही कहेंगे। ठीक है, हम इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे याद रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये कोई दर्पण है, ठीक है समझिएगा, ये कोई दर्पण है और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये क्या है दर्पण है, समझिएगा, ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो और ये क्या है वक्रता केंद्र है, और ये क्या है वक्रता क्या है ध्रुव है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं दर्पण का क्या कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहेंगे। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश के किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है, ना कि डेफिनेशन को रटना है। यहाँ से कहेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि बात किसके बारे में कहा जा रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, हम यही लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, या क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, या क्या होता है परावर्तन के पश्चात, हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या होती है चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, या हम ये भी लिख सकते हैं दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ से आपको बोलना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु या उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि जो स्मॉल एफ होता है अर्थात फोकस दूरी होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहीं से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, फोकस दूरी, तो याद रखेंगे दोस्तों फोकस दूरी का डेफिनेशन याद रखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव, समझिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, सॉरी, फोकस दूरी कहते हैं। तो एक बार मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को लिखिए, आप क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप यह लिखेंगे कि दर्पण के
ध्रुव तथा मुख्य फोकस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी का डेफिनेशन, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना टॉपिक, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटका दे रहा हूं और यहीं पे हम समझ लेते हैं दर्पण का द्वारक। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक फिगर। ठीक है, ये क्या है, दर्पण है, समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं, थोड़ा ये गिर गया है। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों कोई भी ये दर्पण होता है। ठीक है, तो ये दर्पण होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये सी होता है, ये पी होता है और ये एफ होता है, समझिएगा। तो ये आप इतना जानते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है उसके सबसे बड़ी व्यास को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये क्या है, उसका व्यास ही ना है, तो यही कह रहे हैं सबसे बड़ा व्यास है। तो हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ अंतिम, कि यही लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के सबसे बड़े व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह के सबसे बड़े व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से जितने भी डिफिनेशन बताए गए हैं ये आपको फिगर से आपको समझ में आ गया होगा के बारे में बात की जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो से आपको अच्छा लगा है, आपको सीखने को मिला है और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप ऐसा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 10th भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।